दोस्तों, शेर जंगल का राजा होता है ये हम सब जानते हैं और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं किताबों में, और हमें लगता है कि शेर ये सबसे अधिक ताकतवर जानवर होता है जिसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि जंगल में शेर के अलावा भी कई ऐसे जानवर होते हैं जो शेर को आराम से मार सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। शेर भले ही जंगल का राजा हो और बहुत ही ताकतवर क्यों ना कहलाए, लेकिन उससे भी अधिक ताकतवर जानवर होते हैं जो उसको आराम से मार सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 10 जानवरों के बारे में बताने वाले हैं, एक शेर को आराम से जो मार सकते हैं और उसे दिन में तारे भी नजर करवा सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन से जानवर हैं जो कि शेर को मार सकते हैं। जिराफ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिराफ धरती का सबसे लंबा जानवर है, जिसकी गर्दन लगभग 6.1 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है। एक पेड़ की टहनी को यह आराम से छू सकता है। उसकी टांगे इतनी लंबी होती हैं कि वह आराम से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग भी सकता है। एक जिराफ के लिए शेर को हराना बहुत ही आसान है। जिराफ के सींग भी होते हैं जो किसी काम के तो नहीं, लेकिन उसकी गर्दन में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो अपनी गर्दन को हिलाकर दुश्मनों को मात दे सकता है। उसकी गर्दन के एक प्रहार से ही शेर की हड्डियां टूट सकती हैं। एक नर जिराफ का वजन 800 किलो तक होता है, जो एक लायन से 4 गुना अधिक है। इसलिए जिराफ लायन से कई गुना ताकतवर होता है। इसकी टांगे इतनी मजबूत और लंबी हैं कि यदि उसकी टांगे शेर के नाजुक हिस्से में लग गईं, तो शेर मर सकता है। जंगली भैंसा। दोस्तों, जंगली भैंसा शेरों का सबसे पसंदीदा भोजन होता है, लेकिन एक अकेला शेर कभी भी किसी जंगली भैंसे से लड़ नहीं सकता। एक जंगली भैंसा आराम से किसी भी शेर को मार सकता है, क्योंकि ये एक शेर से 4-5 गुना अधिक ताकतवर होता है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्टैमिना होता है, जिससे ये किसी भी शेर को आराम से हरा सकता है। जंगली भैंसों के सींग इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो अपने सींगों से ही शेर को ऊपर तक उछालकर दूर तक फेंक सकते हैं। इनकी त्वचा भी काफी मजबूत होती है, जिससे एक शेर के लिए उसकी त्वचा को भेदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ये इतनी तेजी से किसी शेर पर हमला करते हैं कि उसका घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। इसीलिए किसी भी शेर के लिए एक स्वस्थ भैंसे से लड़ना मतलब मौत के कुएं में कूदने के बराबर है। गोरिल्ला। गोरिल्ला अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जो मानसिक रूप से सभी जानवरों में बहुत ही समझदार होते हैं। इनकी और भी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हें बांस खाना बहुत पसंद होता है। ये बांसों को बहुत ही ज्यादा चाव से खाते हैं। ये इतने विशाल और ताकतवर होते हैं कि किसी भी जानवर के लिए इसे हराना बहुत ही मुश्किल है। एक शेर के लिए भी इसको हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शेर अधिकतर किसी जानवर पर जब हमला करता है तो उसके गर्दन पर हमला करता है, लेकिन गोरिल्ला की गर्दन इतनी मजबूत और मोटी होती है कि इस पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है। ये गोरिल्ला शेर से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है, जिससे इसके एक हमले पर शेर का हाल खराब हो सकता है। गोरिल्ला ज्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं और इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई जानवर इनके इलाके में आए, और यदि कोई भी जानवर इनके इलाके में आ जाता है तो ये उनसे भिड़ जाते हैं, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो, और वो उनको मात दे देते हैं। सांड। सांड शेर का नेचुरल शिकार होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शेर हर बार इनको शिकार बना सके, क्योंकि कभी कभी सांड खुद की बचाव में शेर का हाल खराब कर सकते हैं। एक सांड लगभग 250 किलो वजन का होता है, जो शेर से 10 गुना ज्यादा भारी होता है। इसकी त्वचा इतनी मोटी होती है कि एक बुलेट को भी इसको भेदना मुश्किल हो जाता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि एक गाड़ी से जब ये गिर जाए तो गाड़ी का नक्शा बिगड़ जाता है। इसका वीडियो शायद आपने कहीं पर देखा होगा, तो सोचिए कि एक नर शेर का क्या हाल होगा। अपने समूह के बचाव के लिए हाथियों से भी भिड़ सकते हैं। इनके सींग इतने ज्यादा मजबूत और नुकीले होते हैं कि ये शेर पर कई निशान छोड़ सकते हैं। इस प्रकार किसी भी लायन के लिए एक सांड को हराना बहुत ही मुश्किल है। हिप्पो। हिप्पो दिखने में तो गोल मटोल और सुस्त सा जानवर लगता है, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में इसे सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है, जिसके हमले से हर साल कई जानवर मारे जाते हैं। ये अपने इलाकों का बहुत ही प्रोटेक्ट करता है, और यदि कोई वहां पर आ जाए तो फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो, सबसे लड़ने के लिए ये तैयार रहता है। हिप्पो का मुंह इतना चौड़ा होता है कि ये 150 डिग्री जितना खुल सकता है, जो लगभग 5 फीट तक का होता है, लेकिन एक शेर अपने मुंह को लगभग 11 इंच ही खोल सकता है। हिप्पो दिखने में भले ही मोटा क्यों ना हो, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शेर को दूर तक खदेड़ सकता है। इनके दांत भी काफी मजबूत होते हैं, जो शेर के 2 टुकड़े कर सकते हैं। इस तरह यदि किसी हिप्पो का एक शेर के सामने आमना सामना हो जाए तो उस शेर का बचना मुश्किल है।
हाथी। आपने कई बार किसी वीडियो में शेर के झुंड को हाथी के पीछे हमला करते हुए देखा होगा। इनमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हाथी के आगे से हमला कर सकें, क्योंकि उनको पता है कि यदि हाथी के आगे से हमला करेंगे तो इनका बचना मुश्किल है। एक शेर कभी भी किसी हाथी को नहीं हरा सकता, क्योंकि इस हाथी जंगली भैंसी को भी हरा सकता है जो एक शेर को हवा में उछालकर पटक देता है। तो हाथी शेर का क्या हाल करेगा जब शेर हाथी से भिड़ेगा। हाथी धरती पर सबसे विशालकाय जानवरों में से एक है, जो लगभग 6000 किलो तक का होता है और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, जिसमें अफ्रीकन हाथी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। इनके चलने पर ही धरती कांपने लगती है। इनके पंजों में इतनी ताकत होती है कि यदि इनके पैरों के नीचे बड़ा से बड़ा जानवर भी आ जाए तो वो कुचल जाएगा। इनमें इतनी ताकत होती है कि वे एक पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो ये शेर तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये अपने पैरों से ही शेरों को कुचल सकते हैं। टाइगर। एक टाइगर का वजन 310 किलो तक का हो सकता है, जो कि एक अफ्रीकन शेर से भी ज्यादा होता है। टाइगर काफी ताकतवर होते हैं, जो अपने शिकार के लिए हाथी से भी भिड़ जाते हैं। इनकी त्वचा काफी मजबूत होती है और दांत काफी नुकीले। एक जंगली भैंसा जो कि शेर को उठाकर पटक सकता है, ये टाइगर उस जंगली भैंसे को भी हरा सकता है। यदि टाइगर और शेर के बीच में कभी अगर फाइट होती है तो टाइगर दिखता है जबरदस्त। आप समझ सकते हैं कि टाइगर लाइन से अधिक ताकतवर होता है। पुराने समय में तो कई राजा बाघ और शेरों के बीच में मुकाबला भी करवाते थे, जिसमें वे पहले कई दिनों तक बाघ और शेर को भूखा रखते और फिर एक पिंजरे में बंद कर देते। उसके बाद उन दोनों के बीच में मुकाबला करवाते। ऐसा कहा जाता है कि मुकाबले में ज्यादातर बाघ ही जीतते थे, इसीलिए एक लाइन के लिए टाइगर को हराना मुश्किल है। ग्रिजली बियर। ग्रिजली बेयर शेर की तुलना में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसका वजन लगभग 350 किलो का होता है, जो शेर को लड़ाई में आराम से मार सकता है, जिसमें पोलर बेयर ग्रिजली बेयर से भी अधिक होता है, जो लगभग 700 किलोग्राम वजन का होता है, जिसे धरती का सबसे बड़ा शिकारी जानवर कहा जाता है। भालू के शरीर पर बहुत ज्यादा मात्रा में बाल होते हैं, जिसकी वजह से शेर के लिए उसे काटना बहुत मुश्किल है। शेरों के पंजे लगभग 1.5 इंच के होते हैं, जबकि इनके 6 इंच के होते हैं, जो कि इतने मजबूत होते हैं कि एक ही पंजे में किसी पेड़ को भी गिरा सकते हैं। एक भालू अपने पंजे से शेर के पेट को भी फाड़ सकता है। भालू शेर की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में ताकतवर होते हैं, इसलिए शेर किसी भी भालू को आसानी से हरा नहीं सकता। मगरमच्छ। दोस्तों, मगरमच्छ पानी में रहने वाला सबसे बड़ा शिकारी जानवर है। ये हर साल 50 से भी अधिक अफ्रीकी शेरों को शिकार बनाकर मार देता है, इसीलिए जब शेर पानी पीने के लिए आते हैं तभी मगरमच्छ के लिए उनके मन में डर रहता है। मगरमच्छ अपने शिकारों को पकड़ने के लिए घंटों पानी में बिना हिले डुले स्थिर रहते हैं, जैसे मानो कोई पत्थर हो। और जैसे ही कोई जानवर पानी के नजदीक पीने के लिए आता है तो उसे तेज गति से उस पर झपट लेता है। मगरमच्छ के 80 दांत वाले जबड़े में जब कोई जानवर एक बार फंस जाता है तो उसका यहाँ से निकलना मुश्किल है। मगरमच्छ पानी में सबसे अधिक ताकतवर होता है, जितना वो शिकार पानी में कर सकता है उतना बाहर नहीं कर सकता। फिर भी मगरमच्छ पानी के बाहर भी हो तब भी शेर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तरह उसकी त्वचा बहुत ही मजबूत होती है, जिससे शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इस तरह मगरमच्छ और शेर से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि मगरमच्छ शेर को आराम से मार सकता है, उसे शिकार बना सकता है। दोस्तों, आपने इतने सारे जानवरों को देखा जो एक शेर को आराम से मार सकते हैं, फिर भी शेर जंगल का राजा कहलाता है, क्योंकि शेर के लिए हर जानवर शिकारी होता है। वो अपने भोजन के लिए किसी भी जानवर से लड़ सकता है, चाहे भले ही जंग में उसकी हार क्यों ना हो जाए। इसीलिए इतने सारे ताकतवर जानवर जंगल में होने के बावजूद भी शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शेर जंगल का राजा है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। इन जानवरों के अतिरिक्त भी कई और ऐसे जानवर हैं जो शेर को आराम से हरा सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को जब हम पोस्ट करें तब आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।